कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी दुनिया, हाँ कभी धन, कभी यश, कभी प्रसिद्धि, जाने क्या क्या इस मन को चाहिए। और अपनी उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते 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 भटकते 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 हम अपने आप से दूर हो गए, अपने स्व से दूर हो गए, अपनी निजता से दूर हो गए। और वही कारण है, मैं देखती हूँ धनवान लोग हैं, अरबोंपति हैं, करोड़पति हैं, सब है, फिर भी दुखी। पूछो क्यों दुखी हो? लोग धन को तरसते हैं, तुम्हारे पास है। लोग गाड़ी को तरसते हैं, तुम्हारे पास चार हैं, छह हैं। लोग ज्वेलरी को तरसते हैं, तुम्हारी अलमारी भरी पड़ी है, फिर काहे रोते। लोग बच्चों को तरसते हैं, वो भी हैं तेरे पास। लोग सम्मान को तरसते हैं कि कोई पूछता नहीं है, वो भी नहीं है, तुम्हें लोग पूछते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, फिर इतने दुखी क्यों? व्हाई आर यू दिस अनहैप्पी? वो कहते पता नहीं भाई। पता नहीं का पता तो कर लो। पता नहीं भाई, तुम्हारी कार गुम हो जाए, चोरी हो जाए, थाने जाके रिपोर्ट लिखाओगे, FIR कराओगे कि मेरी ये नंबर की गाड़ी, ये मॉडल है, वहां खड़ी थी और गाड़ी चोरी हो गई। FIR कराओ, तुम्हारी शांति चोरी हुई पड़ी है, कुछ तलाश तो करो भाई उसकी। कहाँ गुम हो गई, कैसे गुम हो गई? और सच्ची कहूं तो चोरी तुम्हारी शांति हुई है, पता मैं तुमको बता रही हूं कि चोरी हो गई है, तुम ऐसे बेखबर हो गए हो। और ढूंढना चाहिए, ढूंढ भी नहीं रहे हो, जैसे कि तुम्हें उसकी आवश्यकता ही नहीं। पर इससे बड़ा असत्य वचन और कोई नहीं हो सकता है। नोबडी वॉन्ट्स डिस्टर्बेंस, किसी को दुख नहीं चाहिए, किसी को अशांति नहीं चाहिए, लेकिन आपकी शांति है कहाँ पर? ये चूंकि आप खोजते नहीं, समझते नहीं, इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते। और वह कहाँ है शांति, वो कहाँ है और कैसे मिलेगी, इसी को समझाने के लिए तो ये सत्संग का आयोजन होता है, और किस लिए? और इस आयोजन के बहाने बहाने हमारी आपकी मुलाकात हो जाती है, आमने सामने बैठ जाते हैं, चर्चा हो जाती है, सुनने को, समझने को, जिससे हमारे जीवन में एक परिवर्तन आवे, एक सोच बदले, जीवन की दशा बदले, जीवन को एक दिशा मिले, उसी को कहते सत्संग। अब जो ये ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाती है, जब इस भक्ति की प्राप्ति आपको हो जाती है, तो सच कहूँ, आप भले अपने मकान में रहते रहिए, पत्नी पति के साथ रहते रहिए, लेकिन हो तो आप योगी ही जाओगे। क्यों? मन का युंजन हो गया, मन का जुड़ाव हो गया, किससे? प्रभु से। और जो टूट गया था मन, जब ये वापिस अपने मूल स्वरूप से जुड़ जाता है, ये जुड़ने का, योग होने का नाम ही तो योगी है। जब हम आसन साधते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हठ योग से हम योगी होते हैं। जब हम भक्ति भाव में जाते हैं, तब भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम भक्ति योग की साधना करके भी योगी बनते हैं। और तीसरा तरीका है, जब हम ज्ञान श्रवण करते हैं, तो ज्ञान जब हमें आत्मसात हो जाता है, जब वो हमारे निश्चय में आ जाता है, तब हम ज्ञान योगी हो जाते हैं। तो इस समय पर आपके साथ जो मैं चर्चा कर रही हूँ, यह सत्य की चर्चा, यह ज्ञान की चर्चा, अगर आप सुनते गए, समझते गए, अरे तुम तो ज्ञान योगी बन जाओगे, मुश्किल ही नहीं है बनना, हम तो ऐसे झटपट से तुम्हें ज्ञान योगी बना दे, तुम तैयार तो हो, हमारा सौदा लेने को तैयार तो हो वो प्यारे, अभी तो आते हो, देखते हो, सुनते हो, अच्छा बोलते हैं, ये कह के घर चले जाते हो, आगे परसू ही नहीं करते। 2 साल पहले कम से कम नहीं तो 10-15 लोग ऐसे जिनको मैं इस बार मिली, मेरा पहला प्रश्न यही था, आप आश्रम क्यों नहीं आए? देखो, शांति उनको चाहिए, पूछ मैं रही हूं क्यों नहीं आए? ज्ञान की तलाश उनको होनी चाहिए, पूछ मैं रही हूं क्यों नहीं आए? पूछना उनको चाहिए था कि
कि आप वहाँ कब होंगे, हम कुछ दिन आके सत्संग करेंगे, साधना करेंगे, आपके पास बैठ के सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर शायद ज़रूरत ही नहीं। मैं कह दूँ, योगी होना मुश्किल नहीं, ज्ञान योगी होना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर उसके लिए इच्छा भी तो हो ना प्यारे। जो इच्छा ही नहीं, जो भूख ही नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती तो तुम्हारे साथ कर नहीं सकती। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या मस्ती आती है, उस मस्ती का वर्णन स्वामी राम तीर्थ जी की इस रचना के साथ आप श्रवण करिए। स्वामी राम तीर्थ जब ऋषिकेश में रहते थे, गंगा किनारे पर मस्त रमते थे, और जंगल में रहते थे, गंगा के तट पर रहते थे, जोग साधते हैं ज्ञान का और मस्ती से जीते हैं। और वो कहते हैं, देखता हूँ दुनिया में तो कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, और मैं अपने आप को देखता हूँ तो हम मलंग होकर के जी रहे हैं, हम खुश होकर के जी रहे हैं, और जो आ जाए सो चंगा है, माने जो भी मुझे मिल जाए सब बढ़िया है, मुख रंग भरा मन रंगा है, मेरे मुख पे मस्ती है ज्ञान की, और मेरे मन में रंग लग गया है ज्ञान का, मुख रंग भरा और मन रंगा है, गाता मौला मतवाला है। अरे मस्ती में आके कभी गाते हैं राम तीर्थ, वो तो जो देखो भोला भाला है, बोले जरा मेरी शक्ल तो देखो कैसा भोला भाला हूँ मैं। ये देखिए महात्माओं का एक ऐसी अदा होती है उनकी, बच्चे जैसी सरलता होती है, उस सरलता में वो कहते जरा देखो तो सही मेरा मुँह कैसा, मैं तो भोला भाला हूँ, मन मन का उसकी माला है, मेरे हाथ में कोई माला नहीं है, मेरे मन ही की वृत्तियाँ ही मेरी माला हो गई हैं, तन उसका एक शिवाला है। अब योगी का शरीर ही शिवाला बन गया है, अब उसका शरीर ही एक मंदिर हो गया है, पास उसके पंछी आते हैं और दरिया गीत सुनाते हैं। रामतीर्थ ये देखिए क्या मस्ती में आके कह रहे हैं कि जंगलों में ये जितने पक्षी गीत गा रहे हैं मेरे लिए ही तो गा रहे हैं, सोचने की बात है। आप कहोगे पक्षी ऐसे ही चहचहा रहे हैं, पर वो मस्ती में आके कह रहे हैं पक्षी मुझे गीत सुना रहे हैं। दरिया ये जो बह रहा है, ये जो गंगा जी बह रही है, ये कल कल करती गीत सुना रही है मुझको, बादल स्नान कराते हैं, और जब वर्षा आती है, जब मेघ बरसता है, तो इसलिए नहीं कि ज़मीन पर पानी आवे, इसलिए ताकि स्वामी राम तीर्थ के शरीर का स्नान हो जाए। बादल बरसता है तो वो राम को स्नान कराता है, और वृक्ष उसके रिश्ते नाते हैं, और पूछो कि मेरे रिश्तेदार कौन हैं, बोले ये जितने जंगल में वृक्ष लगे हैं ये सब मेरे रिश्तेदार, प्रकृति के साथ कैसा एक हो जाते। हाउ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद ह्यूमंस, विद ट्रीज, विद प्लांट्स, विद वाटर, विद मून, विद एवरीथिंग इन द नेचर। ये मस्ती का जो उनका गीत है, उस गीत को आप श्रवण करिए। हर हर ओम, 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 हर हर ओम। जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है, वो रोता है।
बसता है, तन मन में चैन बरसता है। हर हर यो 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 हर हर ओ हर हर पास उसके पंछी आते हैं।
बादल स्नान कराते हैं, वृक्ष उसके रिश्ते नाते हैं। हर हर ओम, 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 हर हर देखिए ये मस्ती जो स्वामी राम तीर्थ के पास है वो मस्ती आपकी हो सकती है, वह आपका अधिकार है। यू कैन बिकम एनलाइटन्ड, नोबडी कैन स्टॉप यू। द ओनली क्वेश्चन इज यू हैव टू नीड इट फर्स्ट, यू हैव टू वांट इट फर्स्ट, यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड फर्स्ट। ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि जो स्वामी राम तीर्थ को हुआ वो तुमको नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वो किसी खास हड्डी से बने थे और हम नहीं बने। अभिलाष दास साहब की एक बात याद आ रही, एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे तो वो कहने लगे, कहते कबीर साहब कोई अलग थोड़े ना थे हमसे, जो उनको सत्य मिला तो हमको क्यों ना मिलेगा, और जो हमको मिल गया तो उनका जो चेला बैठा था बोले इसकी हड्डी कौन सी अलग है, इसको भी मिल जाएगा। बात है जो खोजे सो पावे, जो खोजता नहीं तो पाता नहीं, जो खोज लेता है तो पा लेता है। और सत्संग उसी खोज की दिशा में हमको एक एक पग आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। अब एक बड़ा छोटा सा स्टेप है जो आपने भले मुझसे नहीं पूछा डायरेक्टली, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप विवेकी होना चाहते हैं, आप विवेकी हैं, आप अपनी बुद्धि को और प्रखर करना चाहते हैं, तभी तो आप यहाँ पर पधारे हैं।
इस समय आप दुकान में हो सकते थे, घर में हो सकते थे, टीवी देख सकते थे, रजाई में दुबक के मूंगफली खा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर वो सब ना करके आप यहाँ बैठे हैं। तो आप तो कितने समझदार हैं, आप तो कितने बुद्धिजीवी पहले से हैं कि आप सत्संग के महत्व को समझते हैं, इसलिए समय निकाल करके आप यहाँ बैठे। अब कोई कंफर्टेबल थोड़े ना है, कोई गद्दे थोड़ी लगे पड़े हैं, आप सीधे टाट पे बिछे हैं, तो तपस्या भी आप कर रहे हैं। तो आपके शरीर में तपस्या करने की भी भावना देखो आ रखी है। आपका पुण्यशील, इतना पुण्यशील हैं आप कि आप इस समय पर बैठ के कोई विषय वासना भोग आपको नहीं मिल रहा है, मात्र वचन सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन आप कितने आनंद से उसको श्रवण कर रहे हैं। तो आप विवेकी भी हैं, आप बुद्धिमान भी हैं, आप पुण्यवान भी हैं, आप तपस्या भी कर रहे हैं, तो मैं कैसे ना कहूँ कि आप स्वयं आत्मज्ञानी हो सकते हैं, इसमें मुझे तो कोई संशय नहीं है। आप निश्चय ही आत्मज्ञानी होवोगे, आप निश्चय ही ब्रह्मवेत्ता बन जाओगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, जरा भी मुश्किल बात नहीं। जो मुश्किल बात होती तो ये काम मैं करती, भाई मैं भी कोई मुश्किल मुश्किल काम करके राजी नहीं हूँ, मैंने भी आसान आसान काम ढूंढे, इसलिए तो यही काम लिया। आत्म खोजो, आहा हा, आत्म क्या है ये जानो, अंदर लगाओ डुबकी और मस्ती से जियो, और मस्ती से जी रहे हैं। अब शरीर है तो कुछ तो कर्तव्य कर्म करेगा ना, आप दुकान करते हैं, ऑफिस चलाते हैं, आप कोई बिजनेस चलाते हैं, तो हमारा भी शरीर है, जीवन है, कुछ कर्म हम भी तो करेंगे, निठल्ले होके थोड़े बैठेंगे। तो हम क्या कर्म कर रहे हैं, जो चीज़ मुझको समझ लेगी वो चीज़ आज आपको आगे समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, जो चीज़ मुझे महात्माओं से संतों से सीखने को मिली वही सीखी हुई बात आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। मैं शिक्षक नहीं हूँ कि तुमको भाषण दूँ, मैं टीचर नहीं हूँ जो तुमको भाषण दूँ, ना, मैं तो जो चीज़ समझी उस समझ को आपके साथ बांट रही हूँ। क्योंकि क्या करें भाई, पंजाब का जन्म है और हमारे बाबे नानक ने कहा था वंड छको, हर चीज़ बांट के खानी चाहिए, अकेले अकेले नहीं कुछ खाना चाहिए। तो ऐसी आदत पड़ गई है, रोटी हो तो बांट के खाते हैं, पानी हो तो बांट के पीते हैं, तो ज्ञान को क्यों नहीं बांटेंगे भाई, ज्ञान को भी बांटेंगे। और हम बांटते किसके साथ हैं, जो हमारे प्रिय होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। तो आप सब मुझे प्रिय हो, आप सब मेरे अपने हो, इसीलिए तो ये बात आपके साथ बांट रही। देखिए अब इतने लोग हैं तो सबको मैं दिख सकूं, इसलिए थोड़ा मंच ऊंचा कर दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपसे ऊंची हूं। आप ये ना समझिएगा क्योंकि आप जमीन में बैठे हैं तो आप नीचे हो गए, आप नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। मर्यादा है कि वक्ता थोड़ा ऊंचा बैठ जाता है और श्रोता सामने थोड़ा बैठता, ऐसा आंख उठा के देखता है तो मन थोड़ा एकाग्र अच्छा हो जाता है। वाई दिस आईज आर एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन, आंखें जो हैं मस्तिष्क का ही हिस्सा है जो दिखाई देता है। और जब हम थोड़ा सा आंख ऊंची करते हैं तो एक्चुअली इट इज गोइंग टू पुट सम स्ट्रेन ऑन द पीनियल ग्लैंड इनसाइड। ऐसा देखने से अब देखिए ध्यान मार्ग में तो पूरी साधना है, ये साधना की विधि है, मैं कह देती हूँ, इसमें छुपाने जैसा तो कुछ है नहीं। आप घर में आज रात को थोड़ा जल्दी खा पी लीजिएगा और अपने बिस्तर में बैठ जाइएगा और कमरे में लाइट भी ऑन रखिए, और इस विधि में आँख बंद नहीं करनी है, आपने आँख खुली रखनी है और आँख खुली ऐसे सिर नहीं हिलाना, सिर एकदम अपनी ही जगह पे स्ट्रेट सामने सीधा देखे, लेकिन अपनी आँख की पुतली को ऊपर की ओर उठा लीजिएगा। ऐसा नहीं करना, मैं गर्दन नहीं उठानी, सिर सीधा है सामने, नॉर्मल जैसे बैठे ऐसे बैठे, लेकिन आँख की पुतली जो अभी सामने देख रही है इस आँख की पुतली को ऊपर की ओर ले जाइए एंड अपवर्ड विजन कर दीजिए। अब जब आप अपवर्ड देखेंगे कुछ थोड़ा छत दिख सकता है, हो सकता है थोड़ा सा किसी का ज़्यादा
ठीक एंगल बन गया तो ये उसको आईब्रोज भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के दिख सकते हैं। ये आईज को ऐसे ऊपर उठा लीजिए और कोशिश करिए कि उतने समय पलक नहीं झपके, त्राटक कर लें। फिक्स योर गेज, आँख ऊपर उठा ली, आँख की पुतली, और उसको वहीं टिका लीजिए और वहीं देखते रहिए। कुछ समय में आँख थोड़ी सी ऐसा लगेगा जैसे पथरा रही है, कोई बात नहीं, कुछ चिंता की बात नहीं, नॉर्मल है, मसल्स में स्ट्रेन आ रहा है। देखते रहिए ऊपर, देखते रहिए और श्वास को थोड़ा गहरा लेते रहिएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग से थोड़ा गहरा, कि आपका पेट फूले, श्वास इतनी गहरी भरें कि पेट और सीने में हवा जाएगी जब पूरी, तो पेट की एक्सपेंशन होगी, चेस्ट की एक्सपेंशन होगी, माने पेट भी फूलेगा और छाती भी थोड़ी, जैसे लंबा, जैसे डॉक्टर को आप चेकअप कराते हो तो कहते हैं ना लंबी सांस भरो, ऐसा झटका तो नहीं मारना, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ऐसा लंबा श्वास भरें और लंबा ही श्वास छोड़ें, आँख की पुतली ऊपर को। आप देखिए 2 मिनट में ही मन एकदम टिक जाएगा, एकदम मन टिक जाएगा। ये अभ्यास आप 5 मिनट तक करें, फिर भले आँख बंद कर लें, फिर खोल लें, फिर आँख बंद कर लें, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा समय तक पलक जो है वो खुली रहे, पलक झपके नहीं और आँख की पुतली ऊपर को देखती रहे। ये डायरेक्टली आपके पीनियल ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट करता है, जहाँ से आपका इंट्यूशन का पावर स्ट्रांग हो जाएगा। इंट्यूशन माने जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़, भाई अंदर से बहुत सी चीज़ों की प्रेरणा। मन सहज शांत होगा, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, स्मरण शक्ति भी तेज हो जाएगी। द बेस्ट पार्ट इज, सबसे बेहतरीन इसका असर ये होगा, ये जो मन भागता रहता है ना सारे समय, ये उतने देर को एकदम ठहर जाएगा, एकदम रुक जाएगा। इसको 5 मिनट 10 मिनट करें, फिर आँख बंद करके कुछ देर खाली श्वासोच्छ्वास, सिर्फ श्वास गहरा ले रहे हैं और गहरा छोड़ रहे हैं, और चाहें तो श्वास में किसी मंत्र को ले आइए, और चाहें तो कोई मंत्र न लाएं और सिर्फ श्वास को गहरा अंदर बाहर करते रहें, और 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जब तक अच्छा लगे तब तक बैठे रहें।